प्याले निमा हिन शहर जे एक तरफ सखर का कोटा इंदड़ मुख्य कौमी शाहरा मौजूद है तो बे पासे मथा ही ते मौजूद कदीम रेलवे ट्रैक शहर जे हुसन में चार चंड लगाए छड़ा है। कोटा का इंदे शहर जे साजे हथ ते कायम रेलवे स्टेशन अंग्रेज दौर में 1894 में जुड़ी जडे त स्टेशन का मथाए पासे उन्हीं दौर जो रेस्ट हाउस पिण मौजूद है। कोलपुर स्टेशन का कराची लाहौर मेन रेलवे ट्रैक यानी रोहड़ी स्टेशन 344 किलोमीटर के मुफासिले से है। कोलपुर रेलवे स्टेशन सतह समुंड का 1792 मीटर ऊंची है। मथाही से हुजन करे ही स्टेशन गुड्स के हवाले का इंतहाई अहमियत वाली स्टेशन पिण है। कोलपुर रेलवे स्टेशन जो स्टेशन मास्टर खालिद नसीम बुधाए तो ही लोड एडजस्टमेंट स्टेशन है। ये 1894 में बना था। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये एक मार्शलिंग स्टेशन है और इसमें लोड एडजस्टमेंट स्टेशन है और एक रेलवे में एक स्पेशल फिटनेस का साबकताब होता है जिसको SRG फिटनेस बोलते हैं। गुड्स के लिहाज से ये लोड एडजस्टमेंट स्टेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर कोटा से जो लोड आता है वो 1050 टन आता है, आगे 300 टन जाता है। उसके लिए 300 टन चलाने के लिए भी हमें 25 की एवरेज देनी पड़ती है, ब्रेकिंग पावर देनी पड़ती है ताकि गाड़ी ओवरशूट ना हो। कोटा का मुल्क के मुख्तलिफ शहर ईंदड़ वींदड़ जाफर एक्सप्रेस बुलान मेल कोटा चिल्तन ट्रेनू पिण हिता ही गुजरन थी। कदीम रेलवे स्टेशन से केश लाकर जो पिण अंग्रेज दौर जो जुड़ियल है अज भी मौजूद है। जडे तो 50 साल पुरानो घड़ियाल 1923 जो सिग्नल्स लाए ग्लेक इंट्रोमेंट टोकन सिस्टम पिण बेहतर अंदाज में अज भी कम कर रहा है। कोयटा डा ईंदड़ मेन रेलवे ट्रैक से सिब्बी का शुरू थन्दड़ सुरंगन जो सिलसिलो पिण कोलपुर स्टेशन वट ईदंग करे तो। स्टेशन का चंद कदमन से सोरहीं आखिरी जडे तो कोयटा का ईंदे पहरी सुरंग जैसी ड्रेग 97 मीटर है अज भी मजबूती से मौजूद है। कोलपुर स्टेशन का इन खूबसूरत शहर जो नज़ारो बेहतर तरीके से करे सकजे तो। कोलपुर शहर जा अक्सर घर कच्चा आहिन जडे त शहर अंदर पीण जे पानी जी अणाट है। शहर खां दूर पाइपलाइन जरिए पीण जो पानी शहर डां मुख्तसिर वक्त लाए अचे तो, जे सबब रहवासी सख्त परेशानियों के मुंह डेई रहा है। शहर अंदर बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद आहिन जडे त कॉलेज लाए शागिर्दन के कोटा जो रुख करणो पवे तो। शहर मां गुजरंदड़ कौमी शाहरा ते पासन खां दुकानू ठहण करे रोड इंतहाई सोढ़ो थी चुको है, जिन करे अक्सर ट्रैफिक जाम रहे थी। कोलपुर शहर में बेसिक हेल्थ सेंटर तो मौजूद है पर दवाओं न होण सबब शहरवासियों लाए बेफायदा बणियल है। बुनियादी सेहत मरकज ते एम्बुलेंस न होण सबब कौमी शाहरा ते थींदड़ हादसन सबब केतरियों ही कीमती इंसानी जानियों पिण ज़ाया थी चुकियो है। कोलपुर शहर ते कोलपुर नाले बाबत इतां जो रहवासी अहमद शाह कुर्द सिंध टीवी के बुधाए तो उन बाबत मुख्तलिफ राया मौजूद आहिन। ये बोलान का एक अहम शहर है। बोलान एक तारीखी दर है। तकरीबन यहाँ से जितने भी अफगानिस्तान ईरान और अपना जो खवानी गलत गुजरे हैं इनके अफवाज सिंध पंजाब इंडिया मुग़लों के दौर में या उससे भी बाद जितने भी मतलब ये गुजरगा यही रहा है, इस वजह से भी ये एक तारीखी शहर है। दूसरी बात ये स्टेशन जो है ना बहुत पुराना है, तकरीबन 1894 का बना हुआ है और ख़वानीन कलात के दौर में यहाँ एक चौकी हुआ करता था, जो लोग गुजरते थे उनसे मालिया या टैक्स मामूली वसूल करते थे। उसके बाद जो अंग्रेज़ आए ये ब्रिटिश बलूचिस्तान में आ गया, फिर अंग्रेज़ लोगों ने इधर अपना एक लेविस्ताना बनाया जहाँ के रसालदार हमारे पुराने जो बाप दादा थे वो ही थे। दूसरी बात यह कि यहाँ जो आबाद है कौम अकवाम कुर्द सबसे ज़्यादा आबाद है, इसके बाद सोमालानी टोटल बोलान जो दर्रा है इसमें, इसके बाद सातकजई राहिजा बंगुलानी अकवाम यहाँ तकरीबन पुराने जो वासी है यही है इनके लोग। दूसरी बात यह जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो इन्होंने एक मुआहदा किया 1876 में जिसे मुआहदे बोलान कहते हैं। इनका जो चीफ बना वो सरदार अल्लाडिना था, चीफ ऑफ बोलान यानी टोटल बोलान की जो जिम्मेदारी थी वो सरदार अल्लाडिना कुर्द के सुपुर्द थी। सर एक तो कूल इंग्लिश का लफ्ज है, इस वजह से भी कूल, यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है इस वजह से शायद पड़ गया हो। दूसरी जो तारीखी हवाला है इसका,
ये मैंने पढ़ा है, इनमें काल कोलपुर में मंदिर हुआ करता था, काली का मंदिर, इस वजह से कोलपुर पड़ गया। दूसरी रिवायत में है कि यहाँ कौम आबादी कोल, उस वजह से कोलपुर पड़ गया। पानी का मसला है, वाटर सप्लाई का, हमारा पुराना बोर है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, नया हुकूमत से इस्तदा है कि हमें एक नया बोर दे दे, बाकी स्वी गैस अवेलेबल है, बिजली, रोड हमारे ब्लैक टॉप्स है, सेहत के हवाले से हमारा जो डिस्पेंसरी है इसमें अद्वियात बहुत कम है। इसके अलावा ये मेन रोड पर वाक़ है, कौमी शाहरा है, नेशनल हाईवे, अक्सर अवकात हादसा रूनुमा होते हैं ट्रैफिक के, यहाँ कोई एम्बुलेंस या इसकी सहूलत मौजूद नहीं है। मेरी इस्तदाई हुकूमत से कि यहाँ एक एम्बुलेंस और पानी का मसला हमारा हल करे, और कोई मसला है जने तो बुलान कदीम जमाने में अहम लंघ पिण रहो है। कोलपुर शहर जे खूबसूरती अहमियत उन करे भी वधिक है जो शहर में मुल्क ठहण का अग जो कदीम मंदिर समाधा आश्रम मौजूद है। अगस्त महीने में मेले दौरान मुल्क जे चैनी सूबन थोड़े इंडिया मा यात्री अची पूजा पाठ कंदा है। मेले दौरान इंदड़ सवें हिंदू यात्रियों लाए खाण पीण का अलावा रिहायश जो मुकम्मिल बंदोबस्त पिण मंदिर कमेटी पारा कयो वेंदो आहे। सही मंदिर तमाम आदि आस्थान जो है, तमाम पाकिस्तान को पहले जो है, इन अगस्त में जो मेलो थींदो आहे, बोड़ा साईं हुआ तो चालीह साहब इतने वारींदा हुआ, ये चालीह साहब जी चालीह की मौज होंदी हुई, पूरे पाकिस्तान लेवल से सिंध को तमाम खलत रही है, जी तो साई वा हों तो इतने पूरे आस्थान से पेर पाने की जाए भी न मिलती। पाकिस्तान को मूँ इंदा सिंधु हिंदू सिंधु बलूचिस्तान को डॉक्टर की कैंप लगती है टे ढी, जैमें फ्री कैंप होंगी है टे ढी, उ मेले जहाँ टे टाइम भंडारो हल्द है, टे टाइम जो भंडारो तो ये भी टे टाइम हल्द, हर शह सहूलत है, पर मेले के टाइम भी मान जी खलत होंगी उन्हें भंडारो हर शह डॉक्टर की कैंप फ्री हर सहूलत मिलती है टे ढी मेले की। मेले दौरान टिन दिन फ्री मेडिकल कैंप पिण लगाई वी है, जैसे तो गर्मी के दिहाड़न में शहर अंदर रौनक लगल होंगी है। बाहरा इंदड़ हिंदू मानून लाए मंदिर अंदर चालीह कमरा आन, जैसे तो एक वो खुलल हाल पिण मौजूद है। मंदिर लग 900 फुट ऊनो पानी जो बोर लगल है, जिता न सिर्फ पीण जो पानी मंदिर लाए कतब अचे तो पर कोलपुर वासी पिण उतं ही उज उझाइन था। कोयटा का इंदे शहर के आखिर में पुलिस थानो मौजूद है, जैसे तो खाबे पासे पोस्ट ऑफिस, यूसी ऑफिस, हाई स्कूल जो बिल्डिंगू जुड़ियल हैं। कोलपुर शहर में रेलवे मुलाजमन के अलावा कुर्द, सुमालानी, सातिक जई, बंगलानी राहे जा कौमू मौजूद हैं। शहर के चौगिर्द मौजूद पहाड़न से आगाटे अंग्रेज दौर वारा हिफाजती मोर्चा अज भी कायम हैं। ये नंढड़ो हसीन शहर सूबाई असेंबली के तक पी बी 24 जैसे तो कौमी असेंबली के तक एन ए ब में अचे तो, जिता चूंडी आयल मेंबर सूबाई वफाकी वजीर आन। अगाटे वक्त के छे कर मौजूदा अरसे में शहर अंदर को भी तरक्याती मनसूबो न दिनों वो है, नई शहर ज बुनियादी अहम मसला हल थे। शहर जो कब्रस्तान चंद मीटर के मुफासिले से बे जिले यानि मस्तूंग में मौजूद है, जैसे तो शहरी ईद नमाज पिण पे कच्छी जिले के छे मस्तूंग में ही ईदगाह होने सबब ईद नमाज अदा कन था। हुकूमत बलोचिस्तान इतना चूंडी वल वजीर साहिबन के घुर्जे तो इन तारीखी खूबसूरत शहर जहाँ बुनियादी मसला हल कर शहर अंदर तफरी जो जोड़ाएन, जी गर्मी वाले दिहाड़न में मुल्क के मुख्तलिफ़ शहर का इंदड़ मान के तफरी हासिल थी सके।